क्विंटल 81 किलो डोडा व 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा में सक्रिय नशे के सौदागरों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित स्पेशल छापेमारी दल की टीम ने सिमरिया थाना क्षेत्र के माचन गांव निवासी सेवक गंजू के घर से 25 प्लास्टिक बोले में बंद 2 क्विंटल 81 किलो डोडा व 2 किलो गीला अफीम बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी सेवक गंजू को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर सिमरिया थाना कांड संख्या 90/22 दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जीबीएन 24 न्यूज के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। सर, आपके थाना में डोडा बरामद की गई है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? पुलिस अधीक्षक महोदय, चतरा पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जबड़ा हमारे सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा क्षेत्र में सेवक गंजू है, वो भारी मात्रा में डोडा और अफीम जमा करके एकत्रित करके रखे हुए हैं, इनको बेचने का प्लान है। इस संदर्भ में छापामारी दल का गठन किया गया था और छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सेवक गंजू के घर को घेराबंदी करते हुए इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी। इनके घर से छुपा कर रखा गया लगभग 281 किलो डोडा और साथ ही साथ 2 किलो के करीब में गीला अफीम बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। तो क्या अभियुक्त तो गिरफ्तार किया गया है? सर, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्षेत्र में बराबर मतलब जो घटनाएं हो रही है, इस पर आपके द्वारा या आपके वरीय पदाधिकारी द्वारा क्या लगाम लगाई जा रही है? कौन सा घटना? मतलब इसी जो डोडा है या अफीम है, लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार ये जो है सो एक निर्देश भी प्राप्त हुआ और इस हमारा पूरी पुलिस की टीम जो है सो बहुत बेहतर काम कर रही है और लगातार इस संदर्भ में छापेमारी करी। जहां भी इस तरह का सूचना प्राप्त हो रहा है त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर छापेमारी की जा रही है और बरामद करके आम ग्रामीणों को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? सर, आम ग्रामीणों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत हो गया। कई बार हम लोग प्रेस के माध्यम से यह सूचना प्रसारित भी कर रहे हैं कि जो हमारा मादक पदार्थ है इसका सेवन और इसका बेचना और इसका उत्पादन करना भी काफ़ी खतरनाक है, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। इसको अविलंब जो है सो रोकें, अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ चिन्हित करते हैं।